भाई ये देख लो, इस साइड के दोनों अलग लग गए हैं। एंड शैंकी कुछ कह रहा है, शैंकी क्या बोल रहा है भाई? भाई बनने के बाद बढ़िया लगेगी, दिल्ली में पहली ओमनी मॉडिफाई। वेलकम दोबारा इस नए व्लॉग में, ठीक है। एंड दीदी अभी कुत्तों को घुमाने निकली थी। हाँ भाई, नॉडी अपनी गाड़ी अपनी, जल्दी नॉडी को भी अपन राइड में ले आएंगे, पर उससे पहले गाड़ी मॉडिफाई वगैरह होगी, वो तो अलग चीज है। यार मैं तो डर रहा था इधर पार्क करने में, जगह ही नहीं थी कोई। बेले, अरे मैंने अपने व्लॉग में दिखाया था यार, इस तरफ ही बेले ना, मैं जस्ट अभी सो के उठा, मैं सीधा कैमरा पकड़ लिया। इधर वो गाड़ी खड़ी होती थी जिसपे सांप मिला था ना, इधर ही खड़ी होती थी वो गाड़ी। मैंने वो गाड़ी बहुत देखी है, उसको सांप अंदर से मिला था। और क्या, कोई नहीं, गाड़ी बैठने से पहले हम सांप चेक कर लेंगे। गाड़ी कैसी लग रही है अपनी ओमनी? पर जिस रेट में मैंने लिए उस रेट में यार, है ना, उस रेट में कहाँ ही गाड़ी मिलती है, इसको तो अपन पूरा चेंज ही करेंगे ना। आजू की जी ना, ये मैंने ये अच्छा, हाँ ये मैंने लगवाया कल। बाकी अरे कल तो पूरा घूम रहा था मैं इस पे। घूमेगी तुम एक राउंड? कभी नहीं। हाँ जल्दी 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 वो वक्त आएगा दीदी को घुमाएंगे, पर मॉडिफाई होने के बाद, ठीक है। ये आज अरे कल हो गया था यार, मैं मिस्त्री लेके आया, फिर देख रहा हूँ गाड़ी ऑन हो गई, गाड़ी चल गई, तो इसके स्पार्क प्लग वो नहीं होते, अंदर मिट्टी विट्टी डस्टिंग का कुछ मैटर है। मैं कुछ खा रहा था, खाने हाँ फिर स्टार्ट नहीं हो रही थी, धक्का लगाया ना सड़क पे नहीं, लेकिन खाना खाने। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है नॉडी? नॉडी पिछले दिन में क्या था? क्रिकेटर था पक्का, एंड कभी स्पेसिफिक बॉलर था। क्यों ऐसा क्यों? मम्मी बताएगी। माँ क्या हो गया ऐसा? अरे उसको उधर ले जाती हूँ ना, हाँ तो रात में दुकान खाली रहते हैं, तो वो लोग अपना अंदर एक बॉलिंग करता है, एक बैटिंग करता है, खेलता है क्रिकेट। हाँ ये देखता है ना एकदम कान खड़ा, जहाँ इसे बैटिंग किया इसे देख रहा है कान खड़ा, और नहीं जाता बैठ जाता है रोड़े पे, बैठ जाता है रोड़े बैठ के मैच देखता है। हाँ देखता है। अब पहले दिन तो उन्होंने बॉल दे दी थी, दे दिया था ना एक पहले दिन, गलती कर दी ना उन्होंने। इस बात से लगता है कि नॉडी हमारा कुत्ता है, क्योंकि मैं भी क्रिकेट कितना शौकीन हूँ। नॉडी क्या सुन रहा हूँ मैं, ये बॉलर था तू? बॉलर बॉल देखने के चक्कर में ना, क्रिकेट देखने के चक्कर में लक्षण नहीं करता, कुछ नहीं करता। माँ दीदी को मैंने भी गाड़ी दिखाई, दीदी को गाड़ी बहुत सही लगी। ये देखो देखो एंजॉय, देखो इसकी, ये देखो ये देखो एंजॉय। अरे अभी बहुत बड़े दांत फाड़ के हंसता है। हाय नॉडी, हाय नॉडी, क्या ऊपर आ गया? पगू पगू, हाँ पगू, ये रहा पगू, कैसा है? आ गया अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। कल भी आ गया था, दवाई अच्छा की दी थी, शायद पेट के लिए ही थी, तो मई को ना पापा हवन करवा रहे हैं। अच्छा हवन किस चीज का? कुछ नहीं बोल सकते। दो मई? अरे नॉडी वो मई को तुम्हारे एनिवर्सरी थोड़ी ना है, याद ही नहीं है। 17 मई तेरा बर्थडे याद है मुझे, डेट्स कहाँ याद रहती है यार? मेरी बाबू को दिल से प्यार करता हूँ यार, और डेट मैं भूल जाता हूँ। वैसे पहले गाड़ी का मॉडिफिकेशन कराओ, उसके बाद रैपिंग होगा। पहले रैपिंग नहीं, फिर उसका मॉडिफिकेशन में कैसे क्या होगा? पहले गाड़ी की डेंटिंग हो, फिर रैपिंग हो, आउटर में तो डेंटिंग कौन करेगा? वही वही रैपिंग वाले करेंगे डेंटिंग, बोला मैं उन्होंने। जब तक गाड़ी रहेगी तब तक कश्मीरी गेट्स में इसके जो उतनी चीजें हैं, जैसे कुछ कुछ मॉडिफिकेशन है, लाइट्स की मॉडिफिकेशन, हम वो वक्त के साथ करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप रैपिंग कर रहे हैं, तो वो होना चाहिए फरीदाबाद का जो वो करे वो बॉडी किट। वो तो बाबला भी थोड़ा कच्चा पक्का है, लेकिन वो शौकीन की बात कर रहे हैं। ये क्या, माय गॉड, कौन से बड़े यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हैं तू? ये अपने बंदे की है, ये फैन है क्या तू उस बंदे का? दादा भाई ये तो डरता क्या तू भाई से यार, मीर गर्ल्स का एपिसोड देख रहा है। बाकी देखो आज का जो सीन था ना, मैं तुम लोगों को क्या बोलता कि आज जाऊंगा पर रावत जी पे, फिर रैपिंग वाले सीन का छोड़ जाऊंगा, प्लान पूरा चेंज है भाई। ये देखियो 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 देखियो, अबे डर क्यों रहा है? डर नॉडी चल बाहर चल, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अपना मैं शूट कर लूंगा। मैं तुम लोग क्या बोल रहा था, हाँ तो भाई आज का सीन पूरा चेंज हो चुका है। आज का बेसिकली वेडनेसडे, और वेडनेसडे हुआ था ये सब दुकानें बंद होती है। नहीं बेसिकली यार रावत जी की जो शॉप है जिनसे हमने गाड़ी थी, उनका शॉप बंद है, तो वो हम कल कराएंगे। बाकी रैपिंग के लिए मैंने बात करी अपने बच्चे का, भाई तो कह रहे थे भाई रैपिंग सबसे लास्ट में ही कराओ, पहले सब कुछ काम जो आपको करवाना है, आउटर मॉडिफिकेशन या इनर जो भी आपको करवाना है सब करवा लो, उसके बाद जाके रैपिंग से रहेगी। तो इसलिए हम ना पहले आज एलॉय वाला काम कर रहे हैं। यस यू कैन से ट्राई, तुम लोगों को पता ही होगा, टाइटन हम लोगों देख लिया होगा भाई। आज जा रहे हैं अपनी ओमनी पे अलॉय डलवाने। बेसिकली यार सीन क्या है, देखो मैंने हर जगह से बात करी, पर जो मुझे अलॉय चाहिए ना ड्यूप डिश अलग वाले, वो मायापुरी की शॉप पे ही मिल रहे हैं। भाई कल जिस तरीके से बंद हुई थी ना अपनी गाड़ी, मुझे लिटरली उम्मीद नहीं थी कि यार आज गाड़ी एक बारी में इग्निशन पकड़ेगी, पर होपफुली इग्निशन पकड़ी और चल भी बढ़िया रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे मेन
मैं भी जा रहा हूँ मायापुरी, ठीक है। मैं तुम लोगों को बताया ना कि जो अपने को अलॉय चाहिए ना डीप डिश अलॉय, वो अलॉय और अपने को करोड़बाग की साइड मरकरी पे बेसिकली नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। मैंने मरकरी से भी बात करी थी और मुझे जिस रेट में अलॉय सही मिल रहे हैं मायापुरी में, उस रेट में मुझे बाकी जगह भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मायापुरी में थोड़ा सा टायरों को लेकर ध्यान रखना पड़ता है। बाकी अलॉय तो सही है, अलॉय तो तुम ले सकते हो, बाकी ज़्यादा महंगी अगर अलॉय ज़्यादा तगड़ा बहुत तेरी सस्पेंशन तगड़े काम करने लगता है इसके। बाकी मैं कह रहा हूँ अगर ज़्यादा महंगे तुम्हें अलॉय लेने तो ऑफकोर्स मायापुरी के अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, करोड़बाग या उससे ऊपर भी तुम लोग जानते हो, है ना भाई, तगड़ी उछल रही है। तो जो मैंने अलॉय टेन किए वो भी देख रहा हूँ तुम, डीप डिश ज़्यादा पड़ेगा ही नहीं है, मतलब अपन ना ये जो मॉडिफिकेशन करेंगे ना जितना हो सके उतना हद तक हम रूल्स के दायरों के अंदर, मतलब लॉज को ज़्यादा ब्रेक नहीं करेंगे। तो जितने इंचीज में अलॉय आ रहे हैं मुझे लग रहा है उससे एक इंच छोटे ही लगवा रहा हूँ मैं, मतलब इतना है कि बड़े अलॉय नहीं है पर डीप डिश है, सुंदर लगेंगे, ठीक है। हमने अपनी उंगली यहाँ पे लगा दी भाई, ऊपर दिखा दो बोर्ड एक बार, व्हील्स इंडिया है, ठीक है, मायापुरी के अंदर शॉप है भैया की। तो ये अपने सोनू भाई है, सोनू भाई इधर आओ कैमरा में, इधर आओ। पहले सोनू मुझे बताओ अपन कौन सा अलॉय सोच रहे हैं डालने के लिए इसमें? कॉम्प्लीमेंट के लिए? हाँ, वैसे तो ये सारे आते हैं इस टाइप के। हाँ हाँ, इसमें ऑफ रोडिंग वाले रिम डलवाएंगे हम, इसमें ऑफ रोडिंग वाले रिम डालने सोच रहे हैं, जो कि भैया ने मुझे पहली 12 इंची का, ये 12 इंची वाले हाँ 12 इंची का ये वाला दिखवाया, एंड मुझे ये पर्सनली बहुत सही लग रहा है। पर यहाँ पे डाउट ही है, मैं चाहता हूँ रिम तो अपना 12 इंची वाला हो पर टायर मैं चाहता हूँ वैसा वाला, जैसे वो ऑफ रोड वाला है ना, 12 इंची में अगर ऑफ रोड टायर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा ऑडियंस को भी। 15 इंच नहीं आते हैं, नॉर्मल कार में डालोगे तो ये थोड़ा सा हमिंग नॉइस, इसकी नॉइस मतलब थोड़ा सेटलमेंट नहीं हो पाता गाड़ी के हिसाब से। इसमें नॉर्मल जैसे आपको एम्बरफ सीआर जो दिखा दीजिए इस टाइप की रेंज के आपको टायर मिल जाएंगे। अच्छा, और जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आप बता रहे थे कि इधर आओ चाहेंगी ये दिखाओ, ये 14 इंच का प्रॉपर एलॉय जो हमने चूज किया है, पहले हम सोचे थे कि 14 इंच भी लगा सकते हैं, ठीक है, 14 इंच में कुछ ऐसा लुक आएगा टायर के साथ। आप ये बताओ मुझे 14 इंच में क्या दिक्कत आएगी? 14 इंच में आपको कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, पीसीडी कन्वर्टर की बात कर रही है, पीसीडी कन्वर्टर लगा के तो ये आप कर सकते हैं, और थोड़ी सी इसमें गाड़ी मॉडिफाइड करने के लिए थोड़ी सेटिंग करानी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करानी। मैं एक काम करता हूं, लिफ्टिंग करानी पड़ेगी, मैं वही क्योंकि ना ये पीसीडी कन्वर्टर का जिक्र ना हमने अभी नैनो वाली वीडियो बनाई थी, आपको पता है इलावत जी अपने नैनो बनाई थी तो उनकी वीडियो में, तो आप ही बताओ इसमें कितने हब है, इसमें हब वाला सीन बता दो एक बार। 114 पीसीडी इसका ओरिजिनल हब होता है ओमनी का, हाँ ओमनी का, अगर आपने चेंज करना ना तो 100 पीसीडी में आप इन्वर्ट करो, और 100 पीसीडी यूनिवर्सल है आज के लिए, बिल्कुल 114 पुराना होगा, बिल्कुल है ना, तो 114 के साथ आ रही है वो सब 100 पीसीडी में ही आ रही है, 114 के हिसाब से आप बोल रहे हो 12 इंची रहेगा, बिल्कुल है ना। अब मुझे ये बताओ अगर कुछ ऐसा फील करूँ, क्योंकि ना मेरी प्रोमैन से बात हो रही है लिफ्टिंग और स्पेसर्स के लिए, जितने लोग जानते होंगे प्रोमैन को, अगर मैंने अभी आपसे 12 इंच डलवाए और जब मैंने लिफ्ट और स्पेसर वाला काम कर दिया पीसीडी कन्वर्टर में लेके आ गया, फिर वो 12 इंची 14 इंची में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल वो फिर आपका लेस हो जाएगा, फिर आपको 14 इंची और वो फिर अच्छे रेट में आप कर दोगे, बिल्कुल रिप्लेस आपसे ही होगा। तो अभी के लिए हम, हाँ अभी के लिए हम 12 इंची लगवाते हैं, है ना, बाकी पीसीडी कन्वर्टर वो सब बाद की बातें हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशन कभी भी ना एक दिन में नहीं होता है, ये एक प्रोसेस है, ये किताब है, समझ लो अभी हम पहला पन्ना लिख रहे हैं, है ना, अभी तो इसकी पूरी बहुत पन्नों की किताब बनने वाली है, बाकी आओ रिप्लेस करते हैं इसके अलॉय। तो ये अपने यहाँ पे 4 पीस आ गए अलॉय के, ये वाले टायर लगेंगे, ये सीएट के टायर है जो इसमें लगाएंगे, क्योंकि भैया ने जब इस वाली गाड़ी पे अपना इंस्पेक्शन किया उसमें सारे टायर अलग अलग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भैया हमारे बैठे हुए हैं, भैया ने मुझसे डाउट पूछा कि भाई इसको आप मॉडिफाई करोगे, मैंने भैया को बोला हाँ भैया मॉडिफाई करूँगा, कैसा रहेगा आप क्या बोलते हो, सही हो जाएगी मॉडिफाई? बढ़िया लगेगी, अगर ढंग से करी तो अच्छी लगेगी ना, बहुत प्यारी लगेगी। आपने आज तक कभी किसी ओमनी वैसे देखा है मॉडिफाई? देखा है मैंने साउथ में, केरला साइड तो बहुत तगड़ा कर रहे हैं वो, बस थोड़ी कोशिश करेंगे कि उनके आसपास आ जाए हम लेवल पे, बाकी का लेवल तो बहुत ऊपर है, केरला वाले तो कुछ अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। अभी ये देखो ये टायर निकल रहा है, ठीक है, अपने लिए, एंड मैंने पहले ही पूछ लिया था कि गुड्डी गड्ढे टायर तो नहीं है ना यहाँ पे, मैंने बहुत सुना है ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, मैंने सुना है यहाँ पे पाप है गुड्डी गड्ढा बोलना, एक बार जरा बात करते हैं, गुड्डी गड्ढे टायर तो नहीं है ना, मैंने वही पे देख रहा हूँ यहाँ पे पाप है क्या गुड्डी गड्ढे बोलना, ब्रांड न्यू टायर है ना, बढ़िया नवे टायर के काम है, हमारे पुराने टायरों का काम ही, इधर व्हील्स इंडिया में आपको ऑथेंटिक मिलेगा ओरिजिनल ब्रांड। बाकी मायापुरी का सुनता हूँ काफी बंदे गुड्डी कर रहे हैं जो कर रहे हैं, पांचों उंगल बराबर नहीं होती तो जो जैसा कर रहे हैं, बाकी हमारे पास हर चीज आपको ब्रांड न्यू मिलेगी विद विन मिलेगी, आप प्रॉपर बता के चल रहे हैं ऐसा चल रहा है ये इसमें।
तुम देख लो यहाँ मैंने हैंड ब्रेक लगा रखा है तब भी मतलब गाड़ी हिल रही है। इसका यार हैंड ब्रेक वाला सीन भी अच्छे से परमिट करना पड़ेगा, उनसे करवाया था ना टेम्परेरी हुआ है। देख लो ये बंदा नटे खोल रहा है पर गाड़ी कितनी हिल रही है। गियर में नटा डालनी पड़ेगी, पहले इसकी हवा निकालते हैं टायर में से, फिर इसमें से हम टायर पूरा निकाल के यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, तीन टायर निकल गए, चौथे की बारी है, फिर अलॉय डलना स्टार्ट होगा। तो ये जो हम रिम लगवा रहे हैं, ये भैया ने बताया मुझे, इसको हम ब्राजील रिम बोलते हैं। ब्राजील में सबसे ज्यादा यही वाले रिम चलते हैं। ठीक है, तो भैया अब जरा बता दो कैसे कैसे होगा इसमें। टायर चढ़ेगा, नलकी लगेगी। अच्छा, टायर चढ़ेगा इसमें और नलकी लगेगी, ये नलकी होती है। तो ये कुछ ऐसा लुक आएगा, देख लो पहले में लग चुका है टायर। एंड बताना कैसे लग रहे हैं, ये देख लो कितना बेकार सा लग रहा है, पर इसको डालने के बाद ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना कि भाई लास्ट में लुक के बाद, मतलब लास्ट तक में लुक दिखाऊंगा अपनी ओमनी का, फिर कैसा लग रहा है। ठीक है, वो तुम्हें कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में आग लगा दो। ठीक है, यही तो चाहते हैं हम यार, हम तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाए, गाड़ी को मॉडिफाई करें, तुम्हें अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट लाइक शेयर मार देना। ठीक है, शेयर मारना जरूरी है अपने दोस्तों के, सबको दिखाना कि भाई कुछ इस तरीके से अपना भाई ओमनी को तैयार कर रहा है। अब यार बारी बारी इन सब में हवा डाला जाएगा। अच्छा, तो एक बार जरा बता दो ये क्या बता रहे हो मुझे। ये लॉकिंग नट्स होते हैं। हाँ, इससे नॉर्मल कोई बंदा कोई बोल नहीं सकता, चोरी चकारी होगी और इसका गेटअप अलग दिखेगा। अच्छा, की है बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ओके, ये इसकी की है और ये नट्स है। नट। अच्छा, इसके बगैर खुलेगा नहीं। ओके, आप गाड़ी को बीच जंगल में छोड़ दोगे पूरी गाड़ी चोरी होगी आपकी, अलॉय चोरी नहीं होगा आपकी गाड़ी। अच्छा, मतलब ये की चाहिए ही होगी, बगैर इसके नहीं खोल। और अगर ये की मिल गया गाड़ी के अंदर ही तो इसके ही खोलोगे बगैर इसके नहीं खोलोगे। पर पाजी आपके हिसाब से, अबे शैंकी कहाँ भी जी है, शैंकी तेरे हिसाब से ये रेनबो वाले नट्स अच्छे लगेंगे ब्लू वाले, क्या बोलता है? ब्लू वाले ना, मुझे भी ब्लू सही लग रहा है, ब्लू अच्छे है ना। ब्लू भी क्रोम में ही होगी, आप क्रोम बोल रहे थे। हाँ, वही वही अच्छा कॉम्बिनेशन आएगा। वो जो क्रोम का है ना वो कॉमन है। हाँ, ये लेटेस्ट है, ये अभी लॉन्च हुआ मार्केट। ये देख लो भाई कुछ इस तरीके से काम हो रहा है, इसमें अलॉय लग गए हैं, ये नट्स का लुक हो भाई। ये देख लो इस साइड के दोनों अलग लग गए हैं। एंड शैंकी कुछ कह रहा है, शैंकी क्या बोल रहा है भाई? भाई बनने के बाद बढ़िया लगेगी, दिल्ली में पहली ओमनी मॉडिफाई। शैंकी बोल रहा है भाई कि कौन कराता है ओमनी को मॉडिफाई ऐसी, यार तगड़ी लग रही है ना। पहली बात तो कोई कराता नहीं ना, सोचता कोई मॉडिफाई करा ओमनी को भी। तो ये हो गया ना शैंकी एक्चुअली में फुल गलत। हां, गलत हो गया, फुल गलत भाई, फुल गलत गाइस। बाकी उस साइड का मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अच्छा, पीछे वाले का देख लो लग गया है, पता अच्छे से कसना है उसको। एंड इस वाले साइड का हो रहा है, ठीक है। अभी देख लो अंदर की तो सेटिंग है ना, ये प्रॉपर हम सेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे का तो सेट था ही, ये वाला हमने खुलवाया तुम जानते हो। एंड मेरा ना बेसिकली प्लान ये चल रहा है कि मैं पूरा इस सीट को हटा के ना पीछे एकदम गद्दा कर दूँ कि शैंकी बढ़िया सोता हुआ आया। ऐसे बन जाएगी सीट पूरी ऐसे लेटती है। हाँ, वही प्लान चल रहा है कि यार पूरा इसको प्लेन कर दे एक तरीके से। लेकिन लेकिन अभी ये न्यूज़ ये है, तुम देख लो अलॉय डल चुके हैं, ठीक है। मैं तुम्हें साइड से भी दिखा देता हूँ एक बार, लग रहे हैं सही बेहतरीन। अभी निकलने दो रोड पे, तब आएगा लुक सही। तो अभी हमारा प्लान चल रहा है कि ना इसके लास्ट में ना यहाँ पे स्टेफनी वाला टायर होता है ना वो लगवाएं हम। क्या बोलते हो कैसा लगेगा? बहुत अच्छी लुक आएगी ना, प्रॉपर थार जिमनी एकदम ऐसा। और भैया मुझे कह रहे हैं कि बीच में लगवाना टायर को, साइड मत करना। इसके रीजन क्या है इसके पीछे? नहीं तो डिग्गी आपकी लटक जाएगी, डिग्गी में जैसे मेन जोर पड़ेगा ना तो आउटिंग इसकी खराब हो जाएगी, जो बैलेंस होता है बैलेंस खराब हो जाएगा ना, फिर प्रॉपर और लुक भी बीच में ही आएगा। हाँ ये तो है, नहीं मैं बोल रहा हूँ भाई बहुत बढ़िया लगेगा, पर आज नहीं हो पाएगा ये काम, है ना, हफ्ता लगेगा, डेंटर के पास जाएगी। हाँ, हम वो डिजाइन बनाएगा, डिजाइन बना के फिर आपको दिखाएगा, फिर जैसे होगा आप यस करो। तो इसके लिए गाड़ी तो नहीं छोड़नी ना, इसके लिए बस एक बार डिजाइन करना है, वो डिजाइन मेकअप करके, पर वो करना पड़ेगा, गाड़ी छोड़नी पड़ेगी आपको, गाड़ी कटिंग वटिंग करके। ये देखो भाई उधर से भाई इशारे कर रहे हैं कि बढ़िया लग रहे हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू। रिएक्शन आना चालू हो गए, देख रहे हो बेहतरीन, क्या बात है भाई, खुश हो गए लग रहा है। तो ये हम फाइनली अपनी लोकेशन पे लेके आ गए ओमनी को। एंड तुम फाइनली लुक देख लो यार, कुछ ऐसा लुक आ रहा है, एक बार उस तरफ से भी तुम्हें दिखाता हूँ, पूरा ऑल इन ऑल पता लग जाएगा ना तुम्हें खाली लोकेशन, क्योंकि अच्छे से पता लगता है। देखो भाई सही लग रही है, थैंक यू। एंड यहाँ पे यार जल्दी द्वारका में है ये पार्क, मैंने यहाँ पे एक बार सुबह आया था खेलने तो मैं फिर से आ गया। ये बच्चा जो है अपने को जानता है ना, वीडियो देखी अपनी, ये बताओ वीडियो ठीक है देखी है, थैंक यू उसके लिए। गाड़ी कैसी लग रही है ओमनी? बढ़िया बढ़िया है, किडनैपिंग मैन लग रही है, किडनैपिंग मैन है लग क्या भी है। लेकिन अलॉय चेंज किए इसके हमने आज, सही लुक आ रहा है। हाँ, थैंक यू हमारा एक मिनट का कंटेंट देने के लिए।
तेज डाल रहा है, ये तो भट्टा वर्जन है बुमराह का। आउट भाई, देखो पता नहीं आज शॉट नहीं लग पाए, लेकिन हमारा फर्ज क्या है, शैंकी को भी आउट करवाएंगे। भाई तेज डालो तेज। अरे अरे वाह, अरे चौका धर दिया भाई, कैच कैच। मैं क्या कर रहा है शैंकी, भगा रहा है मुझे। ओह वाह भाई कितना भगा रहा है भाई। ये देखो शैंकी की बॉलिंग है अभी, और पिछली तीन बॉल ये वाइड डाल चुका है, ठीक है। अब देखना तुम, पता लग गया ना, वीडियो बन रही है देखो। अरे अरे फील्डिंग फील्डिंग फील्डिंग, लो भाई शैंकी। पर एक चीज़ है, अपनी ओमनी देख लो क्या सही लग रही खड़ी भैया, फुल एस्थेटिक। तो देखो यार घर आ गए हैं, घर आते ही अपनी मलाई चल रही है, सबसे बेस्ट नारियल, तुम जानती हो तुम्हारे की फेवरेट। एंड मम्मी, आप मम्मी गाड़ी का पूरा एलॉय टायर चेंज कर दिया एकदम ठीक है, और कुछ नहीं बोलेगी क्या? बोल अभी ऑफ कैमरा तो बताया था, मम्मी ने बोला कबाड़ा गाड़ी का हम नहीं सुनना चाहती कुछ। अरे पूरा लुक चेंज हो गया गाड़ी का, मतलब गाड़ी यार चेंज करवाया है। देखो इंसान जब अपने जूते बदलता है कैसा लगता है, पूरा लुक चेंज नहीं होता पर थोड़ा लुक तो चेंज होता है ना, बस वही समझ ले अपनी गाड़ी के जूते चेंज कर दिए मैंने। सही है ना। चलो नॉडी साहब, मैं से नॉडी ऐसे ऐसे बैठ जा आराम से। अरे जैसा कुत्ते को भी लगता है, बिछोड़ा कुत्ता भी लगता है। अबे कितना आराम कर रहा है मेरे साथ यार, तुझे क्या दिक्कत हो रही है भाई? तुझे कुछ पता नहीं कुत्ते से कितने, तेरा तो छोटू है ना, तेरा छोटू उसके बाल झड़ते सबसे ज्यादा इस घर पे। ये नॉडी देखो कितने आराम से मुंह खोल के, गुड बॉय। बाकी चलो यार फाइनली तुमसे लेते हैं अलविदा, ठीक है, तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक से सब्सक्राइब हेडवेंस गैंग डेवलप जू, एंड कल देखना आप कल फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए अपन जाएंगे, एंड एक बार सुबह सुबह मम्मी पापा को भी दिखा देंगे ना, दिखाना बनता है। एंड उसका कल हमें राव जी का जाना है, इस गाड़ी का थोड़ा जो तुम जानते हो है ना मामला कुछ बच रहा है वो करवाने, एंड उसका जाना है सुभाष नगर, ठीक है, जहाँ पे गाड़ी को हम टेंटिंग के लिए देखे जाएंगे। एंड साथ में जो इसका मॉडिफिकेशन है हेडलाइट का, वो उसके लिए बहुत तगड़ी मीटिंग भी, तो बने रहो ठीक है, देखते रहना। एंड सबसे मेन यार देखो तुम लोग सच में मतलब आईपीएल देख रहे हो क्या आजकल? क्या यार, मतलब देखो अगर लाइव देख रहे हो तब तो यार क्या बोलूंगा तुम्हें, लेकिन अगर हाईलाइट देख रहे हो तब तुम मेरे ऐसे हो, ठीक है। लाइव कौन देख रहा है आईपीएल यार, इतना समय है तुम लोगों के पास, तब पक्का तुम लोग 20 साल से नीचे हो यार। जिनका मैटर थोड़ा सा ऊपर है ना, जो थोड़ा सा 20 साल के ऊपर वाले एज में आ रहे, मुझे लगता है वो लाइव देख रहे होंगे, अगर देख रहे हो तो भाई बहुत वेले हैं वो। लेकिन मैं देखो मुझे आईपीएल पसंद है पर मैं हाईलाइट ही देख पा रहा हूँ यार, लेकिन चलो दिन ब दिन मतलब धीरे धीरे एक हाईलाइट देख रहा हूँ, फिर अगले दिन पिछले मैच के देख रहा हूँ, ऐसा कि थोड़ी थोड़ी आदत पड़ रही है, पर लाइव नहीं यार, ओनली हाईलाइट्स, ठीक है। तुम लोग चलो एंजॉय लो आईपीएल वगैरह, जो देखना है देखो यार, मतलब मेरे बोलने पर कहाँ तुम लोग चलोगे, है ना। तुम लोग तो जो दिल की है वही करोगे, एंड वही करनी चाहिए, अपने दिल की करो, अगला कुछ भी बोले बोलने दो, समझो सुनो पर करो दिल की, है ना। टॉक्सिक ट्रेट है पर ट्रेट है, कल मिलते हैं, है ना। तो यार मैं मास्टर बटो मिलता हूँ आपसे अगड़ी तक, लिए गुड बाय, साइनिंग आउट।